सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आप मुलायजा की आप हमें यूट्यूब पर बराह रात भी देख सकते हैं youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें। JUIFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगु में कहा, हमें बल्दियाती नहीं जनरल इलेक्शन चाहिए। अब मुल्क की बका का सवाल पैदा हो गया है। हुकूमत किस एहतसाब की बात कर रही है? ये हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। हमें बल्दियात इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए। ये जाली असेंबलियां हैं, जब तक ये जाली असेंबलियां मौजूद हैं इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन की तरफ लोगों को मुतवज्जह करना उनके कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के वोट के हक से उनको दस्तबरदार करने वाली बात। हम तो समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो भी ढोंग, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग, जो बजट बना वो भी ढोंग। इस वक्त हमारा मुल्क इंतहाई माशी बहरान में है और हम ऐसे नाअहलों को मुल्क हवाले कर चुके हैं कि जिनकी नाअहली की वजह से हमारी मईशत तकरीबन डूब चुकी है। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान का बजट जीरो से नीचे चला गया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ये होता है कि नए साल के बजट का हुजम पिछले बजट से ज़्यादा हुआ करता है। ये पहली मरतबा है कि नए साल का बजट का हुजम पिछले साल से कम। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत जल जाने वाली है, फिर हिसाब होगा। हुकूमत के करप्शन के कई बाब हैं, चीनी का मसला इनसे कभी भी हल नहीं होगा। एहसन इकबाल कहने लगे कि मौजूदा हुकूमत सकूते कश्मीर की जिम्मेदार है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली, पाकिस्तान दुश्मनी होगी। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान और सी पैक की शरक है। कि मकबूजा कश्मीर के अवाम 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक भारतीय जुल्म, सफाकियत और बर्बरियत का शिकार हैं और तकरीबन एक साल पूरा होने को है। हमारी हुकूमत कश्मीर के ऊपर सिर्फ तकरीरें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और हम तवक्को रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन होगा। चूंकि पूरी दुनिया की नज़रें भी हैं तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने जो प्री पोल रिगिंग शुरू की है उसे बंद किया जाना चाहिए। चीनी आज भी 85 रुपये की बिक रही है, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, हुकूमत ने उसका हल नहीं ढूंढा। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं, ये दोस्त यारों की हुकूमत है। कोई ऐसे पीएम बना हुआ है, कोई एडवाइजर बना हुआ है, कोई ओहदों पे लगा हुआ है। नून लीग के रहनुमा राणा सनाउल्ला खान का कहना है कि पीटीआई माइनस इमरान और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कोई तजवीज आई तो तमाम पार्टियों से मशवरा करेंगे। इमरान खान हुकूमत और मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ऑपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद पर हमसे कोई बात नहीं की, ये माफियाज की हुकूमत है, इसका काम सिर्फ इंतकाम लेना है। और माफियाज जो है उनके लिए चलाई जा रही है और माफियाज जो है उन्होंने आम आदमी की दो वक्त की रोटी उनसे छीन रखी है और आम आदमी का जो है वो जीना अजीर्ण कर दिया है। जो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं वो फ्रेश मैंडेट के जरिए से आके इस मुल्क को, इस कौम को जो है वो आगे लेकर चले। क्या ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून माइनस इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कोई कम्प्रोमाइज कर ले? जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है उनकी मशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है और जो उनके अलाइज हैं शायद उन्होंने उन्हें इस मर्तबा जो है वोट दिया है। उधर जनरल सेक्रेटरी वाईडीए पंजाब डॉक्टर कासिम अवान ने माफी मांग ली है। किस बात पर माफी मांगी है आइए आपको दिखाते हैं। आज लानत का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है हमारे लिए डूब भरने का मकाम है कि हमने अपनी नुस्खे के ऊपर
मरीजों को लिख के दिया था कि बल्ले को फोड़ दें। हम लानत भेजते हैं हम उस दौर के ऊपर जब हमने ये लिखा था, और आज भी हम लानत भेज रहे हैं कि आपने ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज बल्कि पूरी आवाम करके रख दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि रियासत मदीना का लोगो लगाकर बुत गधे बनाए जा रहे हैं, अकलियतों के हुकूक को तस्लीम करते हैं, अकलियतें अपनी आबादियों में अपनी इबादतगाह बना सकते हैं, इस्लाम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत ने बुत गधा बनाया हो। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो हुकूमत जो रियासत मदीना की दावेदार है, क्या रियासत मदीना का लोगो लगाकर, रियासत मदीना का टाइटल लगाकर बुत कदे बनाए जाएंगे? सो इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इकदाम को फौरन वापस लें। हम जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उनके हुकूक को तस्लीम करते हैं, वो अपनी ज़मीन पर जहां उनकी आबादी हो अपनी मर्जी से अपनी इबादतगाह बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम की 1450 साल तारीख या इससे ज़्यादा तारीख में ये नहीं हुआ कि मुस्लिम हुकूमत ने बुत कदा बनाया हो। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर पर बयान जारी कर दिया। कहा कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को हक है कि जहां उनकी आबादी के लिए ज़रूरी हो वो अपनी इबादतगाह बरकरार रखें। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सुलह से बना हो वो ज़रूरत के मुताबिक नई इबादतगाह बना सकते हैं। हुकूमत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने खर्च पर मंदिर तामीर करे, ख़ास तौर पर ऐसी जगह जहाँ हिंदू बरादरी बहुत कम हो। इसलिए इस्लामाबाद में हुकूमत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने खर्च पर मंदिर तामीर कराए। ना जाने इस नाजुक वक्त में ऐसे शाखसाने क्यों खड़े किए जाते हैं जिनसे इंतशार पैदा होने के सिवा कोई फ़ायदा नहीं। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी, तोड़फोड़ और एहतजाज का सिलसिला जारी है। कैदियों ने जेल की छत पर आग लगा दी। पुलिस की जानिब से कैदियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरात से, जहां के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी है, तोड़फोड़ और एहतजाज का सिलसिला जारी है। कैदियों ने जेल की छत पर आग भी लगा दी है। पुलिस की जानिब से कैदियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई है। गुजरात के ये मनाजर हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी है, तोड़फोड़ और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। मनाजर आप देख सकते हैं, कैदियों ने जेल की छत पर आग भी लगा दी। पुलिस की जानिब से कैदियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राणा शहजाद हमारे साथ होंगे। राणा शहजाद, क्या मामला है बताएगा? जी बिल्कुल, गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल के हवाले से अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट जेल के जो कैदी हैं उन्होंने जो है जेल सुपरिटेंडेंट और उसके बाद जेल के इंतजामिया के खिलाफ जो है वो इत्तेजाज करना शुरू कर दिया है, और कैदी इस वक्त जो है वो छतों पर मौजूद हैं और कैदी पर आग भी लगा दी। और उनका ये कहना था कि जेल का अमला रोजाना हमसे जो है वो रिश्वत मांगता और रोजाना हम पर जो है वो तशद्दुद करता है, इसकी वजह से सैकड़ों कैदी जो है इस वक्त जो है वो जेल की छतों पर जो है वो चढ़े हुए हैं। लेकिन पुलिस की जो है वो कार्रवाइयां जारी है, पुलिस जो है वो कैदियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी जो है वो कर रही है। चारों तरफ जो है पुलिस के जो है वो नाके लगा दिए गए हैं जेल की तरफ, और हर साइड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है। सुप्रीटेंडेंट जेल का ये कहना था कि जल्द हालात पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। कैदी शराब एहतजाज है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। राणा शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज की नई तहकीक सामने आ गई है। मेयो डॉक्टर्स और फारूक अस्पताल ठोकर के सेवरेज से लिए गए नमूनों में कोरोना पाया गया है। लाहौर में तहकीकात का दायराकार बढ़ाने का फैसला किया गया है। 3 अस्पताल है जिनके सेवरेज में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज की नई तहकीक सामने आ गई है। मेयो डॉक्टर्स और फारूक अस्पताल ठोकर के सेवरेज से लिए गए नमूनों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद लाहौर में तहकीकात का दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज की नई तहकीक सामने आ गई। मेयो डॉक्टर और फारूक अस्पताल ठोकर के सेवरेज से लिए गए नमूनों में कोरोना वायरस पाया गया है। लाहौर में तहकीकात का दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। ये भी वाज़े रहे कि अब आसानी होगी कि कहां कहां किन किन इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा और उनमें कोरोना है।
तहकीकात सामने आई है आईपीएच और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेस की, जिसके मुताबिक मेयो डॉक्टर्स और फारूक अस्पताल ठोकर के सेवरेज से लिए गए नमूनों में कोरोना वायरस पाया गया है। लाहौर में तहकीकात का दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया। अहम खबर है ये, आईपीएच और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेस की नई तहकीक सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मेयो डॉक्टर्स और फारूक अस्पताल ठोकर के सेवरेज से लिए गए नमूनों में कोरोना वायरस पाया गया है। लाहौर में तहकीकात का दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। अहम तहकीक जिसके मुताबिक 3 हॉस्पिटल्स में यह वायरस पाया गया है, जिनमें शामिल है मेयो डॉक्टर्स और फारूक अस्पताल, जिसके सेवरेज से नमूने लिए गए थे, जिसके बाद टेस्ट कराया गया और कोरोना वायरस इसमें लाया गया है। लाहौर में तहकीकात का दायराकार बढ़ाने का फैसला भी कर लिया गया है। यह भी वाज़ह रहे कि यह तहकीक बहुत अहम है, जिससे मुतल्लिक बाद में यह फैसले भी किए जा सकते हैं कि कहां कहां लॉकडाउन करना है। जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा तहकीक से मुतल्लिक। जी, दोनों सूबाई जो सेहत के बैक में हैं, उनकी जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज को ये टास्क सौंपा गया था कि वो एक रिसर्च करें कि क्या सीवरेज में जो है वो कोरोना वायरस मौजूद है। इस हवाले से जो ये तहकीक शुरू की गई, तो इसमें 3 इब्तदाई तौर पर अस्पताल, जिसमें मेयो अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और इसके साथ साथ फारूक हॉस्पिटल ठोकर न्याज बेग जो है उससे सीवेज के नमूने हासिल किए गए। 10 नमूने जो हैं वो हासिल किए गए, इनमें से 5 में जो है वो कोरोना वायरस मौजूद होने की तस्दीक हुई है। ये पहला मरला है कि कोरोना वायरस जो है वो लाहौर के सीवरेज में भी पाया गया है। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं उनके स्टूल और यूरिन सैंपल्स जो हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और अब इस तहकीक को, रिसर्च को वासा की मदद से जो है उसके इश्तराक से अब फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और इस हवाले से जो माहरीन हैं उनका ये कहना है कि ये तहकीक जो है कि सीवरेज में जो कोरोना वायरस है उसकी मौजूदगी है, इससे मदद लेकर आइंदा स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में या सख्त लॉकडाउन जो है वो करने का फैसला करने में ज़्यादा आसानी और उसमें मदद मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए जाहिद चौधरी। दीगर खबरें शामिल करें। कराची के ताजरों ने कल से मुश्तरका तौर पर मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत से मार्केटों के औकात का रात 9 बजे तक बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन और सिंध ताजिर इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ताजिरों ने मुश्तरका तौर पर कल से मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर कहते हैं कारोबार बंद करवाने की सूरत में मुजाहमत करेंगे। तमाम ताजिर कल से अपने कारोबार खोल लें, चाहे हुकूमत इसमें बंदिश का ऐलान करे, हम हर कीमत पे कल से अपने कारोबार खोलेंगे। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान इरफान का कहना था कि हुकूमत मार्केटों के औकात में इजाफा करके रात 9 बजे तक की इजाज़त दे। दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे जो औकात कार हैं वो रात 9 बजे तक किए जाए। क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी है, लोग गर्मियों में नहीं आते, शाम में लोग निकलते हैं, 7 बजे मार्केटें बंद करने का ऐलान कर देते हैं। ताजरों ने शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत से कराची में दीगर पावर कंपनियों को इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी खत्म कराने का वाहिद रास्ता यही है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। वजीर बहरी अमूर ने फजाई अमूर से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। विफाक वजीर अली जैदी कहते हैं 2010 से 2018 तक 236 खिलाफ जाब्ता लाइसेंस जारी किए गए। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लाइसेंसेस के इजरा में बेजाब्तगियां थी। तहकीकात पर 54 अफराद को ग्राउंड कर दिया। जिस पायलट पर शक है उसको ग्राउंड कर दिया है। लाइसेंस के इजरा में मुलविस 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। 2010 में 8, उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। 2011 में 20, 2017 में 46, 46 और 2018 में 38, 38। ये टोटल बनते हैं 236, 236 इररेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट के साथ। कोई भी ऐसा पायलट जिसमें कोई भी सस्पेशन हो या इररेगुलरिटी हो वो ग्राउंडेड है। ये भी पता चला कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे इन इररेगुलरिटीज को और इन सस्पिशंस को, ऐसी हरकतें करने में कि जो इररेगुलरिटीज हों उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें सिविल एविएशन के 5 टॉप के लोग हैं जो सिविल एविएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर है। सारे सस्पेंडेड हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद दो रोज तक पारा हाई रहने की पेशगोई कर दी है। शहरी भी गर्मी से बेहाल नजर आते हैं। मानिया शकील की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शहर में शदीद गर्मी से अवाम बिलबिला उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। कराची के शहरी भी गर्मी से परेशान होकर दुहाइयां देने लगे। कराची का मौसम ऐसा है बिल्कुल खराब। हम खिलते भी कितनी पसीने आए थे, जैसे नहा के आते वैसी पसीने पसीने हो जाते। गर्मी बहुत है, गर्मी इतनी गर्मी है गर्मी की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो ब्लड प्रेशर वाले शुगर वाले, बत्ती नहीं रहती है, चार टाइम तो बत्तियाँ जाती है। खास कर कराची में ज्यादा हो रही है गर्मी। अब यही है कि अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं और क्या करेंगे। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि आने वाले दो रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कैमरा मैन नथर अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज कराची। चेहरे कायद में गर्मी और लोड शेडिंग ने आवाम की नाक में दम कर दिया है। शहरी कहते हैं कि कई कई घंटे बिजली गायब रहने के बावजूद हजारों के बिल आ जाते हैं। मजीद तफसीलात क्या है, जावेद कायम खानी से बात करेंगे। जावेद बताएगा शहरी परेशान है, क्या कहते हैं। लोड शेडिंग की बात करें तो के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। शहरी जो है वो शदीद गर्मी, आज अगर बात करें तो पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छुआ, जिसके बाय से शहर के मुतादिद इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान है। देख सकते हैं कि इस वक्त भी जिस इलाके चनीसर हॉल्ट और चनीसर गोट में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी शहरी बाहर मौजूद इसलिए हैं कि बड़ी तादाद में कोरोना की वायलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि बड़ी तादाद में बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि घर में लाइट नहीं, लाइट ना होने के बाद शदीद गर्मी के बाद सड़क पर आकर जो है वो अपने आप को यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर शिकायत के लिए इलेक्ट्रिक जाया जाता है तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता और सिर्फ फॉल्ट का बहाना बनाकर कहा जाता है कि आज फर्नेस ऑयल की फरहमी मुमकिन नहीं हो सकी, आज गैस नहीं मिल सका, या आज जो है वो लोड को मैनेज किया जा रहा है जिसके बाद लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब लॉकडाउन है, घरों के अंदर बच्चे बीमार और बुजुर्ग तमाम ही परेशान है। दिन हो या रात हो कई कई घंटे लोड शेडिंग जा रही है। आपका गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशंस बंद करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, इसके साथ ही लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशंस बंद करना शुरू कर दिए हैं। एक जानिब तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब लाहौर में की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशंस बंद करना शुरू कर दिए हैं। रेलवे हुकाम ने सीनियर सिटीजन को दिया गया रिलीफ छीन लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बुजुर्ग मुसाफरों का रिलीफ खत्म कर दिया। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त और रियायती टिकटों की दी जाने वाली सहूलत खत्म कर दी गई है। तफसीलात क्या है, अपने नुमाइंदे सईद अहमद सईद से बात करेंगे। जी बिल्कुल, रेलवे हकाम जो हैं वो बुजुर्ग मुसाफरों को रिलीफ देने में नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख़ अहमद की तरफ से बुजुर्ग श्रेणी को दिए जाने वाला रिलीफ है वो ख़त्म करने का फैसला है वो किया गया है। 65 साल के जो बुजुर्ग मुसाफरों को जो है वो टिकटों की मद में जो 50% जायद थी वो दी जाती थी, और 75 साल और उससे जायद उम्र के मुसाफरों को जो इकोनॉमिक क्लास टिकट है वो फ्री मुफ्त है वो दिए जाते थे, जिसको ख़त्म कर दिया गया है और वो किसी किस्म का रिलीफ है वो नहीं दिया जाएगा। और एक तरफ फिर यू टर्न है वो लिया गया रेलवे इंतजामिया की तरफ से, गरीब और मुस्तहिक मुसाफिर को बुजुर्ग मुसाफिर को रिलीफ देने का वादा किया गया था पाकिस्तानी रेलवे शशि अहमद की तरफ से, जो कि रेलवे काम की नाअहली गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस ये फैसला है वो वापस लिया गया। इसके ऊपर बुजुर्ग मुसाफिर हैं वो भी एहतजाज करते दिखाई देते हैं और ये मुतालबा कर दिया पाकिस्तानी रेलवे शशि अहमद से कि उनकी तरफ से तकरीबन 6 माह कबल ये रिलीफ दिया गया था बुजुर्ग शहरी को जो आपके ख़त्म कर दिया गया है, तो मुतालबा किया कि पाकिस्तानी रेलवे शशि अहमद इस बात का नोटिस लें और रिलीफ को दोबारा से। बहुत शुक्रिया आपका। गुलकार अली जफर ने कराची आर्ट काउंसिल के साथ मिलकर फनकारों की मदद का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में अली जफर का कहना है कि कोरोना के बाईस सैकड़ों फनकार, मौसीकार और टेक्नीशियंस मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी फनकार की इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर घर बैठे उनकी मदद की जाए। जो है इनका सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरी जो फाउंडेशन है अली जफर फाउंडेशन, हमने
पंजाब में कई हफ्तों से म्यूजिशियंस को खाना भिजवा रहे हैं और पैसे, लेकिन अब हमने ज़मान फाउंडेशन के साथ मिलके अब ये किया है कि उन तक जो पैसे पहुंचाने का अमल है वो और आसान कर दिया और मोबाइल पे बैठे उन्हें घर पे पैसे पहुंच जाते हैं। कराची में कराची आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं डेली इन टच हूँ और हम दोनों ने कराची आर्ट्स काउंसिल और अली ज़फ़र फाउंडेशन ज़मान फाउंडेशन के साथ हमने डेटा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सा डेटा है कि कौन से ज़रूरतमंद वो म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, परफॉर्मर, आर्टिस्ट हैं जिनको जो डिजर्विंग है। निजी स्कूल में जिनसी हिरासा करने के मामले पर अहम पेशरफ्त हो गई है। महकमा तालीम की तहकीकाती कमेटी ने निजी स्कूल को मौजूदा और साबका तालिबात के फ़ोन नंबर्स और घर के पता मुहैया करने के अहकाम जारी किए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि स्कूल में बच्चियों के साथ जिनसी हिरासगी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरी जाने वजीर स्कूल एजुकेशन पंजाब डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि निजी स्कूलों के लिए नया एक्ट ला रहे हैं, हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खसूसी कानून बनाया जाएगा। इस चीज को मैं देखूंगा कि ये जहां जहां पे होगी, क्योंकि मैं यहां पे एक कमेटी बनाने लगा हूं जो सिर्फ इस तरह की कंप्लेंट सुनेगी। ये सिर्फ इस चीज के लिए कमेटी बन रही है, ये सिर्फ इस चीज की वजह से आज हम लॉज चेंज कर रहे हैं। ये इशू जो उठा है आप देखना कि इसको हर तरह से डील किया जाएगा।